यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा 2019 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस्पात नगरी भिलाई की बेटी ने फिर एक बार भिलाई शहर वासियों का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। भिलाई के 22 वर्षीय सिमी करण ने यूपीएससी 2019 के ऑल इंडिया रैंकिंग में 31वां स्थान बनाया है। सिमी के पिता बीएसपी के फाइनेंस विभाग में जीएम है, तो वहीं माता डीपीएस दुर्ग में शिक्षिका हैं। रिजल्ट की सूची आते ही सिमी के परिजनों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व रिसाली निगम कमिश्नर ने उन्हें बधाई दी। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बट एक सही डायरेक्शन और स्मार्ट वर्क के साथ आई थिंक ये बहुत कम समय में भी पॉसिबल है। मैं 2019 में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास आउट हुई आईआईटी बॉम्बे से। मई में मेरा ख़त्म हुआ और जून में प्रीलिम्स था, तो मैंने पहले से शुरुआत की थी, बट हमेशा ये था कि हर क्षण जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मैं स्मार्टली यूज़ करूँ और सिर्फ वही चीज़ पढ़ूँ जो मैं एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकती हूँ। आजकल ऑनलाइन में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। आई थिंक ऐसा एक एग्ज़ाम है तो अगर गाइडेंस मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट ये भी है कि गाइडेंस के साथ साथ अपना दिमाग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, बट उसमें अपना एक राह ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक का अपना पढ़ने का स्टाइल है, तो आप सुनिए सभी को, बट अपना एक फुल फ्लेज्ड प्लान बनाइए। हमको तो बहुत खुशी है, काफ़ी दिन से रिजल्ट आने की बहुत उत्साह थी मन में कि क्या होगा क्या नहीं, थोड़ा टेंशन तो होता है, बट जब आज रिजल्ट आया तो बहुत ही खुशी हुआ। और मैं बहुत खुशी से मैं बेटी को भी बधाई दी और हमारे घर वाले भी सबको मैंने बताया और सभी ने बहुत खुश हुए कि उसने इतने अच्छे से रिजल्ट की है करके। इस खबर में इतना ही।